largest fraction. NTS, JTS, UTS, OTS, PTS, जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं उनमें फ्रैक्शन का क्वेश्चन एक लाजमी हिस्सा होता है, और PPSC, FPSC में भी. तो क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, हमारा आज का टॉपिक है, कि क्वेश्चन ये आता है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है. हमें फ्रैक्शन दिए होते हैं और हमने उनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना होता है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कई मेथड हैं, इनमें से हम एक मेथड आज डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज लार्जेस्ट वैल्यू, कौन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है. और हमें वैल्यूज गिवन है 9/16, 3/5, 11/20 एंड 23/40. और हमें ये ढूंढना है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है. नॉर्मली हमारे टेस्टों में कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं होता, अदरवाइज कैलकुलेटर के जरिए इनको डेसिमल में बदल के ज्यादा आसानी से कंपेयर किया जा सकता है. तो जो सादा तरीन इसकी टेक्निक है, जिसको हर कोई समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, वो ये है कि इन फ्रैक्शन के एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो 16, 5, 20 और 40 का एलसीएम, तो 20 40 के अंदर शामिल है, 5 20 के अंदर शामिल है, इसका एक 4 उस 20 के अंदर शामिल है. तो इट मींस के हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 80. तो इन सबको क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 मल्टीप्लाइड बाय 9/16, 80 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 80 मल्टीप्लाइड बाय 11/20 एंड 80 मल्टीप्लाइड बाय 23/40. 16 का 5 टाइम, 5 9 जा 45, 5 से 5 1 जा 6, 16 इंटू 3 48, 20 का 4 टाइम, 4 इंटू 11 44, 40 का 2 इंटू 46. ये जो नंबर्स आए हैं ये बता रहे हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट. तो देखिए, इन आंसर में सबसे लार्ज आंसर 48 है और ये सेकंड नंबर पे, इट मींस जो सेकंड फ्रैक्शन है वो लार्जेस्ट है. सो इसका आंसर के लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट इज 3/5. तो एक ये तरीका है जिसके जरिए हम लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और मेथड क्या है हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट के लिए, कि आप उन फ्रैक्शंस को उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो जिसका रिजल्ट सबसे बड़ा आएगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा. वीडियो देखने का शुक्रिया. मजीद इसी तरह के वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो बेल का निशान है उसे क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा भी वीडियोस की इतला मिलती रहे. मजीद वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे, उन्हें भी आप देख सकते हैं. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ कमेंट्स में आप लिख के उसका सलूशन मांग सकते हैं. बहुत शुक्रिया.